got a body like a goddess. And she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could. हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। मैं आपका कैप्टन साथ एक बार फिर अपने नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जाने की तैयारी में हैं अपनी नई राइड में। और सुमित आ रहा है, सुमित का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और सुमित के आने के बाद फिर हम निकलते हैं अपनी नई राइड में और आपको अच्छे अच्छे प्लेस दिखाएंगे आज। और वीडियो में बने रहना आपको। हम पहुँचे थे सुमित भाई के घर के पास और एक तो ये गाड़ी आप देख ही रहे हो, मेरी गाड़ी जो है वो है HF Deluxe, तो वो प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि इसके कंपेरिजन में वो इसकी आधी भी नहीं है। तो इस वजह से हम अपनी गाड़ी को अंदर वहाँ खड़ी कर दिए सुमित भाई के घर पे, और आज की राइड हम दोनों इसी गाड़ी पे करने वाले हैं। तो भाई अब भी तो अपन यहाँ से निकल रहे हैं, बट यार वो एक रीगा वाला जो कीड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। बात ये है ना कि अब मन कर रहा है चाय पीने का, एंड अब हमारा ये था कि डायरेक्ट निकलेंगे एंड बीच में ही कहीं ढाबे वाबे में करेंगे, लेकिन भाई मन अब ये कर रहा है कि जाके पहले चाय पियेंगे देन उसके बाद निकलेंगे। पहुंच चुके हैं सपना और बस थोड़ी सी पेट पूजा हुई, हम दोनों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी पेट पूजा की। अब आगे की राइड हम तैयार होके निकलेंगे। फ्रेंड्स अभी अपन को ऑलमोस्ट एक घंटा और लगेगा, बिकॉज अब आराम आराम से अपन चलेंगे एंड इतना जल्दी पहुंच के भी करेंगे भी क्या। हम पहुंच चुके हैं बृहस्पति वाटरफॉल और मैं पिछली बार जब आया था कलिंजर शूट करने तो ये प्लेस मुझसे छूट गया था। तो अभी किसी से हमें पता चला कि हम यहाँ पे घूम सकते हैं बृहस्पति वाटरफॉल, तो अभी हम आए हुए हैं। चलिए आपको लोग दिखाते हैं। ये है बृहस्पति वाटरफॉल और काफ़ी गहरा है और इतना शानदार प्लेस है ना कि ऐसा लगता है कि हम मनाली में खड़े हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी मतलब ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और आगे वहाँ से पानी गिर रहा है, हम वहाँ चलेंगे और वहाँ से यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। सीढ़ियाँ हैं गाइस, यहाँ से अभी हम नीचे आ रहे थे और आपको हम एक चीज़ दिखाने जाते। देखिए किसी आप मतलब इतिहास में पढ़ा होगा आपने कि खिलजी ने यहाँ के पूरे क्षेत्र में जितनी मूर्तियाँ हैं ना सबको खंडित कर दिया। देखिए ये जो सामने मूर्ति आप देख रहे हो इसको भी लगभग तोड़ दिया गया है, काफ़ी पुरानी मूर्ति है। और ऐसे बहुत सारे शिलालेख ही पहाड़ी पे देखने को मिलेंगे। आगे एक मूर्ति है, वहाँ भी दिखाते हैं आपको। कहते हैं ना गाइस कि हर पहाड़ी पे भोलेनाथ का वास ज़रूर होता है। और ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ साक्षात विराजे हुए हैं और उनके सेवक नंदी जी तो एकदम सामने ही हैं। और ये जो अंदर गुफा टाइप से बनी हुई है, और ये नंदी जी देखिए काफ़ी पुराने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत साल पहले बनाया गया था इसको। और ये रहा यहाँ का नज़ारा। और ये सामने जो गलियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोगों को वहाँ वाटरफॉल के नज़दीक तक जाना है। बाइक अगर चलाना होता है, और बाप रे बाइक चलाना असंभव।
बारिश के टाइम पे यहाँ का सीन कितना अल्टीमेट हो। ये जो नज़ारे हैं ना गाइस, एकदम ऐसा फील आ रहा है कि जैसे एकदम मनाली गोवा में हम लोग घूम रहे हैं। और अपने लेफ्ट साइड देखने में काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, भोले रात सबके साथ एंड बस बढ़ते चलो। अरे मजे में तो सजा है गुरु। ये नज़ारा है यहाँ पूरा झुक के एंड नीचे से होके सर बचा के चलना पड़ेगा। गाइज ये जो पानी आप देख रहे हो पीछे भी सेम टू सेम था, बट इसका मानना है, ऐसे लोग बताते हैं कि इस पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं कि आप इसमें अगर नहाते हो तो आपकी बॉडी पे जितने तब वो कहते हैं ना बॉडी रिएक्शन रहते हैं, खुजली होती है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। एंड इसका पानी तो कभी आज तक कभी नहीं ख़त्म होता है। तो भाई जस्ट टेक के लुक यार, ऊपर से नीचे तक मतलब किनारे किनारे ऐसे काट के बनाई गई है। ये प्राकृतिक नहीं है, समझ रहे, लेकिन वहाँ पे छोटी वो भी लगी है यार, मधुमक्खी। एंड अपन को चलना है अभी उस कोने में, तो चलो जल्दी। भाई साहब पसीने पसीने तो हो गए हैं ना, लिटरली यही है रियल एडवेंचर। बाकी की दुनिया सब कुछ दिखाती है, अच्छी बात है, लेकिन असली एडवेंचर इसी को कहते हैं। चलो यहाँ से नीचे उतरते हैं अपन। बृहस्पति कुंड बता रहे थे, एकदम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं और आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये जो पानी देख रहे हो, पानी काफ़ी टाइम से रुका हुआ है इसलिए गंदा दिख रहा है, बट काफ़ी गहरा है। हमें ऊपर से जब हम नीचे आ रहे थे तो हमें वहाँ के बुज़ुर्गों ने सख्त हिदायत दी है कि आपको पानी से दूर रहना है, तो डेफिनेटली हम पानी के नज़दीक जाते ही नहीं हैं। और काफ़ी ऊँचाई है, हम वहाँ थे, वहाँ से चलते चलते भी आए हैं और मंदिर बनी हुई है और कलिंजर से लगभग 21-22 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है रोड पे, मेन हाईवे पे, तो आपको पूछ के आना पड़ेगा। बस सीन अल्टीमेट है। अब आगे एक दिखाते हैं, एक वाटरफॉल है वो भी काफ़ी बड़ा सा है, वो देखिए। देखिए गाइस कैसे कैसे झाड़ियों जंगलों के बीच से होके हमें जाना पड़ रहा है और थोड़ा सा सपोर्ट बिल्कुल करिए आप लोग, क्योंकि इतने में अगर सपोर्ट नहीं करते ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। तो भाई अभी शिशिर भाई गए हैं हाथ मुँह धुले, यहाँ पे भाई नहाएंगे हम बिल्कुल भी नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ का कितनी क्या गहराई है, कहाँ पे क्या, इसका हमको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सुशील भाई हाथ मुँह धो के अभी आएंगे, फिर मैं जाऊंगा एंड वहां पे तो हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले भाई, बिकॉज इट्स वे टू रिस्की भाई हमारे साथ। हाँ सही है, मतलब नज़ारे तो भाई बहुत बेहतरीन है, मतलब चुपचाप बैठे रहो बस, कुछ भी नहीं देखना। तो सो गाइस अभी यहां पे हम नहा वहा तो नहीं है, देखो हाथ मुँह धुल लिए हैं, यही बहुत है। एंड भाई जो पीछे के नज़ारे हैं ना, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत शानदार नज़ारे हैं। आओगे? पहुँच गए लेकिन डर है बिल्कुल। नहा पानी मुँह घूम के आया भैया किनारे से, पानी पे नहाना नहीं है, ये सब लोग भाई लोग नहा रहे हैं, इनको भी समझा चुके हैं कि अपन पानी में ना नहाओ यार, पैसे नहीं बनता है, फिर भी खतरों के खिलाड़ी है ये, माउंटेन ड्यू पी के आए हैं। क्यों आप ही पिए हैं माउंटेन ड्यू? हम कुछ नहीं पिए, हम पानी बस पीते हैं भाई, माउंटेन ड्यू। नज़ारा देखो भाई इतना शानदार है और मतलब इतना हाइट से गिर रहा है ना। जस्ट एक लुक भाई उन बच्चों को, वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं 15 साल के, ठीक है,
15 साल 18 साल, इससे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं मान रहे कितना भी समझाए। आप बृहस्पत कुंड के एकदम लास्ट पॉइंट पे है और पहला पार्ट आपने वहाँ देखा जो कि एकदम कम एरिया पे है, आपने पहले वीडियो में देख लिया यहीं पे। और हम एकदम अब यहाँ पे झरने के पास आ गए हैं, जो अभी बताया था कि झरना गिर रहा है। और झरना देखिए, इसको बताते हैं कि ये बहुत गहरा है, इसका मतलब गहराई कभी किसी ने नहीं नापी है, इस कारण से हम तो बिल्कुल नहीं नहाने वाले। हम मुंह धुल लिए हैं, गर्मी लग रही थी किनारे से। और जो यहाँ का नज़ारा है ना, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही बेहतरीन है। और हमने देखा अभी बृहस्पत वाटरफॉल, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बस सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए, ये जो बच्चे कर रहे हैं आप बिल्कुल मत करिएगा। गाइस जब हम यहाँ पे आ रहे थे, और वीडियो में भी अभी आपने देखा कि जगह जगह पे ये छोटे छोटे गड्ढे क्यों बने हुए हैं, तो अभी कुछ लोकल लोगों से हमने पूछा, और तो वहाँ ये बताया उन्होंने कि बारिश के टाइम पे वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और आप सबको पता है कि पन्ना की जो धरती है वो हीरे और सोने निकालती है, उगलती है। तो ये अपने अपने गांव वालों ने अपने अपने निशान लगा के ये गड्ढे बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टियाँ इकट्ठे होती हैं, फिर इनको अपने कोई जुगाड़ से या कैसे करके छान छान के इनसे छोटे छोटे हीरे या गोल्ड निकालते हैं, तो ये उसके लिए बना हुआ है। अगर आपको करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सुमित भाई तो बोल रहे हैं कि मैं तो अब यही करने वाला हूँ। गाइस नीचे से हम फिर से ऊपर आ गए इसी कुंड के पास, अभी हमने मुंह धोया। और यहाँ आते आते ना नीचे जाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ऊपर आने में ना समझो कि मतलब पूरी बैंड ही बच गई, और ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई यूट्यूबर दोस्त फ्लाइट से जा रहा है और उसका साउंड भी हमें आ रहा है। गाइस पूरा सर झुका के हम लोग को चलना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी नीचे है ये चट्टान, क्योंकि काट के ये रास्ता बनाया गया है। और हाय करो, हाय बोल दो, हाय हाय। तो गाइस ये भैया लोग भी थे, फिर हम लोगों ने बताया कि नीचे नहीं जाना है, क्योंकि जाने में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन ऊपर आने में बहुत ही तकलीफ होगी। तो सब वापस आ रहे हैं, और यहाँ से ये नज़ारा देखो आप, क्या नाम है भैया आपके चैनल का? कैप्टन मुसाफिर, मुसाफिर जी। पूरा